हेलो सर्वस, स्वागत है आपका अद्विका शांडिल्या ब्लॉग्स में। अभी ये एंड ऑफ द मई है, तो जो स्ट्रॉबेरीज हैं वो पकना शुरू हो गई हैं। तो ये स्ट्रॉबेरी फील्ड्स हैं इस तरफ को, और आप देख सकते हैं ये इतनी सारी गाड़ियां खड़ी हैं, और वहां पे पीछे वहां पे कियोस्क है स्ट्रॉबेरी का, वहां से हम अभी एंटर करेंगे। तो क्या होता है कि जैसे आप स्ट्रॉबेरी की फील्ड में जाओ और खुद प्लग करो उनको, और मतलब खा भी सकते हो। जब आपको जाना है तो आप लगभग 1 किलो या कुछ स्ट्रॉबेरीज उनसे ख़रीद लो, और उसके अलावा आप मतलब फार्म में जाके जितनी मर्जी खा लो। तो चलते हैं अभी हम इस स्ट्रॉबेरी फील्ड्स के अंदर और थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। स्ट्रॉबेरी को जर्मन में एडवियर बोलते हैं, एडवियरेन जो स्ट्रॉबेरीज हैं। और ये हमारा छोटू स्ट्रॉबेरी। बेटी चलो चलो। तो यहाँ स्ट्रॉबेरी के खेत में काफ़ी लोग हैं ऑलरेडी, तो आप देख सकते हैं ये प्लग कर रहे हैं, तो साथ में खा रहे हैं, और साथ में मतलब घर के लिए भी 1 किलो 2 किलो जो भी कुछ लेके जानी है किसी को। कई लोग बहुत फ़ैन होते हैं, जैसे 4-5-6 किलो मेरे साथ वाले कुछ लोग हैं, वो बहुत पसंद करते हैं, तो वो खूब भर भर के लेके जाते हैं। ये सामने वो स्ट्रॉबेरी का कियोस्क है, तो वहाँ से आप ख़रीद सकते हो, और जैसे हम भी जाएंगे वहाँ पे तो हम लगभग 1 किलो लेके जाएंगे। ये इस तरफ को मोबाइल टॉयलेट्स हैं, तो जैसे जैसे ये जैसे ये कियोस्क लगते हैं कहीं भी, या कहीं भी मतलब कोई काम करने के लिए टेम्परेरी यूज़ के लिए जो टॉयलेट्स चाहिए होते हैं, तो इस तरह के यूज़ होते हैं। अभी मेरी वाइफ और अद्विका भी वहाँ पे गए हैं, वो उनको जैसे जो हमने बॉक्स जिसमें हमने स्ट्रॉबेरीज लेके जानी है उसको वो वेट कर रहे हैं उसका, और जब हम स्ट्रॉबेरी लेके जाएंगे फाइनली तो वो उतना रिड्यूस कर देंगे। तो अभी हम ये जो स्ट्रॉबेरी के जो प्लांट्स हैं इनको नज़दीक से देखते हैं, और इन प्लांट्स को पानी देने के लिए भी बहुत अच्छे से इन्होंने किया होता है। ये पाइप है जो यहाँ से पानी की जा रही है, और इसके साथ ही छोटी पाइप कनेक्ट हो रही है, आप देख सकते हैं ब्लैक कलर की। तो ये मतलब इस तरह से प्रिसाइजली इन पौधों को अच्छे से फिर पानी दिया जाता है। और अगर स्ट्रॉबेरीज अगर हम यहाँ पर देखें तो जैसे ये है, ये वाली तो अभी पकी नहीं है, पर आगे काफ़ी मिलेंगी। जैसे ये है तो इसको अभी हम ले सकते हैं और खा सकते हैं। तो इस तरह की मस्त स्ट्रॉबेरीज हैं। यहाँ पे काफ़ी मिलेंगी, बस ये बीच बीच में ढूंढनी पड़ेंगी पौधों के। और ये भी बताते हैं कि कहाँ जैसे आपको इस वक्त स्ट्रॉबेरी मिलेंगी, वहाँ उन्होंने फ्लैग लगाए होते हैं। तो ये सारे में इस तरफ स्ट्रॉबेरीज हैं, काफ़ी रेडी हैं, तैयार हैं, जो ये बड़ा सारा पोर्शन है। और जो वो ब्लैक लाइन से उस साइड को पोर्शन दिख रहा है, वहाँ पे अभी जो मैं पहले दिखा रहा था स्ट्रॉबेरी में सिर्फ अभी फूल आए हैं, तो जैसे अभी पहले ये ख़त्म हो जाएंगी 4 हफ्ते में, तो 4 हफ्ते में जो नेक्स्ट टाइम वो तैयार होना शुरू हो जाएंगे। और इसी तरह और ये बीच में रोड है, रोड के उस साइड भी स्ट्रॉबेरी की फील्ड्स हैं, तो अभी काफ़ी है, मतलब चलेंगे जुलाई तक चलेंगे भर भर के। यहाँ पे अद्विका पूरी एक्साइटेड है अभी। बेटू क्या खा रहे हो? क्या दिया मम्मा ने? नम दिया। आप भी खाओ। कालो। इन पौधों में देखें तो खूब स्ट्रॉबेरी भर रखी हैं, मतलब अभी कच्ची भी हैं पक्की भी हैं, तो ये तो पक्की हैं। और अगर आपको रॉ देखनी हो तो ये इस तरह से है, अभी ये पकेंगी, जैसे ये रॉ हैं। और वैसे अगर आपको जो रेड रेड दिख रही हैं वो सारी पक चुकी हैं, बढ़िया फर्स्ट क्लास है, मज़ेदार है। यहाँ पे जो है यहाँ से भी खा सकते हैं हम, ये हमारा बॉक्स भर रहा है। बेटू ये आपने खुद तोड़ ली, क्या बात है। एक्चुअली अद्विका खुद भी तोड़ ले रही है, पर ये जैसे खराब है। रुको रुको रुको, मम्मा बताएगा। ए लो इसको तोड़ो, पकड़ो।
तो जैसे ये स्ट्रॉबेरी फील्ड्स हैं, वैसे यहाँ पे जो बाकी ब्लूबेरी ब्लैकबेरी फील्ड्स भी होती हैं। तो ये जो स्ट्रॉबेरी है, इनके बीच में अगर आप देखोगे तो जैसे चलने के लिए यहाँ पे मतलब थोड़ा कीचड़ ना हो, उसके लिए ये जो डाला हुआ है बीच में, ये जो पराली है वो है, एक्चुअली वो बच जाती है। उसको ये मशीन से ही छोटा छोटा करके फिर इसमें डाल देते हैं ताकि चलने के लिए अच्छा हो जाए। मतलब यहाँ पे और यहाँ पे जैसे बहुत लोग होते हैं तो आपको वो जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको स्ट्रॉबेरी मिलेंगी, क्योंकि लोग प्लक कर रहे हैं तो कंटिन्यूसली, तो आपको मतलब वो अनटच्ड पोर्शन देखना होता है जहाँ पे, वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे। ऐसे तो हर जगह ही है, पर जैसे जो बड़ी बड़ी स्ट्रॉबेरीज हैं, बड़े साइज़ वाली, वो उसके लिए आपको सही पोर्शन ढूंढना पड़ता है कि कहाँ कहाँ अभी लोग नहीं पहुँचे हैं। वैसे तो काफ़ी लगी होती हैं, हर जगह ही बहुत मिलेंगे आपको। सामने की साइड ये रोड है, वहाँ पे भी कुछ कियोस्क लगे हुए हैं। तो वहाँ पे अगर आप देखो तो जो फर्स्ट लेफ्ट साइड में जो कियोस्क है वो एस्पेरेगस का है। स्पार्गेल बोलते हैं जर्मन में। और जो राइट साइड में रेड कलर में दिख रहा है वो स्ट्रॉबेरी का ही है। तो जैसे रोड साइड पे अगर किसी को चलते चलते स्ट्रॉबेरी लेनी हो तो वो यहीं से प्लग करके उन्होंने वहाँ पे रखी है। और एक जो इनका कंट्रोल है यहाँ पे, छोटा कियोस्क है, वो यहाँ पे है। जैसे जब हम जाएंगे वापस तो हम यहाँ पे उस उन स्ट्रॉबेरीज का वेट करके, मतलब पे करके यहाँ से जाएंगे, जो जितनी भी हमारे डिब्बे में होगी, जो हमारा डिब्बा भर रहा है, काफ़ी भर गया वैसे ये हमारा डिब्बा भर रहा है फ्रेश स्ट्रॉबेरीज के साथ। क्या खा रहे हो? ये अब नया फन हो गया। बेटू क्या कर रहे हो? लेट गए? लेट गए? ये बीच में थोड़ी खाली जगह है, वहाँ पे इन्होंने जो जिन जालियों के साथ ये कवर करते हैं उनको यहाँ पे इन्होंने रखा है। अच्छा है, मतलब यहाँ पे जैसे एक बढ़िया फैमिली आउटिंग हो जाती है। आप आओ, एंजॉय करो 1-2 घंटे, मतलब थोड़ा सही है, खाओ और फ्रेश स्ट्रॉबेरी जो है साथ घर भी ले जाओ। भी सारे पंछी घूम रहे हैं, कौए, तो इनकी नज़र भी स्ट्रॉबेरीज पे है। और ये जो स्ट्रॉबेरी फील्ड्स हैं वो हमारे घर से हार्डली 100 मीटर दूर हैं, तो हम तो इन्हें पूरा ग्रो होते पूरा देखते रहते हैं स्टेप बाय स्टेप। अभी हमने मतलब थोड़ी खाई हैं, हम वैसे उतना नहीं खा पाते हैं जैसे, ठीक है 100 100 ग्राम खा ली होंगी हमने, और हमने अपना डिब्बा भी ये प्लग करके भर लिया है। तो बस अभी हम थोड़ा वॉक करेंगे यहाँ फील्ड्स के बीच में, थोड़ा अद्विका के लिए फन एक्टिविटी हो जाएगी, फिर थोड़ी देर में चलते हैं बाहर। क्या फिनिश? यहाँ इसके लिए लेटने का भी प्रबंध कर रखा है इन्होंने अभी मौसम जो है वो बीच में थोड़ी धूप आ रही है, थोड़ा क्लाउडी है, और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही है, तो हल्की जैकेट्स हैं वो डाल रखी हैं लोगों ने। तो यहाँ पे यही है कि थोड़ा गर्मियों में भी कभी भी ठंड हो सकती है, थोड़ी बारिश हो गई तो ठंडा हो जाता है मौसम एकदम से। अभी यहाँ पे फेंस लगाने का काम भी चल रहा है, जैसे जो स्ट्रॉबेरी फील्ड्स हैं उनके सराउंडिंग में। तो ये जो गाड़ी है, गाड़ी के अंदर पोल है, ये पोल लगाने के लिए भी गाड़ी में ही वो इंस्ट्रूमेंट लगा है। और जो ये पीछे लोग दो हैं ये सिर्फ फेंस लगा रहे हैं। तो ये गाड़ी में हथौड़ा लगा है जिन पोल्स को हैमर कर रहे हैं। अभी समर आ चुकी है तो जो साइकिलिंग है वो भी पीक पे है। जर्मनी इज़ अ पैराडाइज ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ हर छोटे से बड़ा काम ऑटोमेटेड है, ये घास डालने से लेके हर चीज़
ये अभी जो नेक्स्ट स्ट्रॉबेरी की फील्ड्स हैं, अभी हम उस बाड़ी में थे जहाँ पक रही हैं। अभी यहाँ पे देखो आप, तो यहाँ पे या तो फ्लावर है या अभी कच्ची हैं ये, और इसी तरह से जो उससे नेक्स्ट है वो उनमें से फ्लावर ही आया हुआ है। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप, जैसे 15 दिन 20 दिन तक ये चलेंगी, उसके बाद ये शुरू हो जाएंगी, फिर उससे अगली शुरू हो जाएंगी, तो मतलब ये जुलाई तक चलती रहेंगी इस तरह से। और ये जो पराली है इसको शायद हमने पहले भी देखा है, पर ये वहाँ रखे हुए हैं रोल। ये जो रोल हैं ये वही जो गेहूं की बच जाता है पीछे से या धान का बचता है, तो वो गेहूं की पराली है वो, और उसको ही यहाँ पे फिर वो मशीन से, इसी तरह की एक मशीन यूज़ करके इन्होंने, जैसे ये पोल गाड़ने के लिए यूज़ कर रहे हैं मशीन, वैसे ही एक अलग मशीन यूज़ करके जिसको छोटा छोटा करके यहाँ पे डाल देते हैं इन लाइंस में। बेटे चलो चलो, अब चलो चलो, मामा चला गया। अभी सारे लोग जा चुके हैं, जा रहे हैं ऑलमोस्ट। अद्विका निकलने को तैयार नहीं है, तो इसको उठा के लाया जा। अभी यहाँ पे बस एक दो लोग रह गए हैं। अभी इन स्ट्रॉबेरीज के ये लगभग 1 kg हैं, 850 ग्राम है, तो इनके लगभग 5 यूरो पे किए हैं। और यहाँ पे जो स्ट्रॉबेरीज हैं वो थोड़ा सस्ती होती हैं सुपरमार्केट से। सुपरमार्केट में आई थिंक ये 1 kg जो है वो 8 यूरो का होता है, तो यहाँ अप्रॉक्स 5-5.5 यूरो का है। शेर पूरा गंदा हो गया है, हर जगह से लाल लाल इसको अभी भी खाने का है मामा भी नहीं खाएगा। हाँ। बताना आप, आपको कैसी लगी ये स्ट्रॉबेरी फील्ड्स। और इसी के साथ हम आज का ब्लॉग खत्म कर रहे हैं, तो चूस, जय हिंद।